आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। सशक्त भू कानून के लिए सड़कों पर लोग। प्रदेश में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर रविवार को ऋषिकेश में आयोजित स्वाभिमान महारैली में बड़ी संख्या में लोग उमड़े। महारैली में महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने भू कानून, रोजगार की मांग और नशाखोरी, माफिया राज आदि के विरोध में आवाज़ बुलंद की। मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर सुबह 10 बजे से लोग IDPL हॉकी मैदान में जुटने लगे थे। 11 बजे तक मैदान खचाखच भर गया। 11:40 पर रैली शुरू हुई। रैली के नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरने के दौरान युवाओं, महिलाओं में मुद्दों को लेकर खूब उत्साह दिखा। रैली लगभग 1.5 घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर त्रिवेणी घाट पहुंची। यहां आयोजित सभा को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि यह लड़ाई प्रदेश के मूल निवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए है। सरकार को चाहिए कि वो उत्तराखंड व यहां के लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सख्त भू कानून समेत सभी सार्थक कदम उठाएँ। देश में आबादी के साथ विकास की रफ्तार भी बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ती आबादी के कारण शहर की गति धीमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी क्षमता बढ़नी चाहिए। कुंभ मेले के लिए 992 विशेष ट्रेन चलाएगा रेलवे। प्रयागराज में आगामी 12 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले के लिए रेलवे 992 विशेष ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। टिहरी के गांव में गुलदार के हमले में बच्चे की मौत। भिलंगना की हिंदाव पट्टी के पुरवाल गांव में रविवार शाम गुलदार ने एक बच्चे को मार डाला। 3 वर्षीय इस बच्चे का छद विछद शव गांव से करीब 200 मीटर दूर मिला। लोगों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। खड़गे की तबीयत बिगड़ी, प्रधानमंत्री ने हालचाल जाना। भाजयुमो प्रदेश मंत्री समेत 200 पर मुकदमा दर्ज। तो मुखानी पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री विपिन पांडे और जिला मंत्री गिरीश पांडे को नामजद करते हुए 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा तोड़फोड़ और आगजनी की धाराओं में शनिवार देर रात मुकदमा दर्ज किया। अज्ञात लोगों में महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने मुकदमा कारोबारी की पत्नी रेहाना की तहरीर पर दर्ज किया है। शाहरुख को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। तो अबूधाबी के यास आइसलैंड में हुए आईफा अवार्ड 2024 में शाहरुख खान को जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। रणवीर कपूर अभिनीत फिल्म एनिमल ने 4 कैटेगरी में अवार्ड जीते। दून में रिटायर शिक्षक से 2.27 करोड़ हड़पे। तो मनी लॉन्ड्रिंग के झांसे में फंसा कर साइबर ठगों ने दून के रिटायर अध्यापक को 9 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 2.27 करोड़ रुपए हड़प लिए। शीर्ष नौकरशाही में 1/4 हुई महिलाओं की हिस्सेदारी। बचत जीवन बीमा ई कॉमर्स से लेकर शेयर बाजार तक में अहम बदलाव हुए। तो त्योहारी सीजन शुरू होने के बीच 1 अक्टूबर से टैक्स, बीमा, निवेश, बचत योजनाओं में कई नियम बदलने वाले हैं। ये बदलाव आप पर सीधा असर डालेंगे। हर भूखंड की होगी खास यूनिक आईडी। एक देश एक चुनाव के लिए 3 विधेयक ला सकती है केंद्र सरकार। तो एक देश एक चुनाव को लेकर के केंद्र सरकार काफ़ी गंभीर है। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव एक साथ कराने के लिए सरकार की ओर से 3 विधेयक लाए जाने की संभावना है। पाकिस्तान दोस्ताना रिश्ता रखता तो बड़ा पैकेज देते। तो रक्षा मंत्री ने पड़ोसी मुल्क को सुनाई खरी कोटी।
एनपीएस के विरोध में एक को काला दिवस मनाएंगे कर्मचारी। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने मोर्चा से जुड़े कर्मचारी 1 अक्टूबर को एनपीएस प्रणाली के विरोध में काला दिवस मनाएंगे। सभी कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी पहनकर कार्य करेंगे, साथ ही इंटरनेट मीडिया पर अपना प्रोफाइल काला रखेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने प्रधानाचार्य परीक्षा का किया समर्थन। तो उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी ने प्रधानाचार्य सीमित विभागीय परीक्षा आयोजन करने का समर्थन किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र से प्रेषित कर इस परीक्षा को जल्द संपन्न कराने का आग्रह किया। पिटकू सरकार को देगा 11 करोड़ रुपये, कार्मिकों को भी प्रोत्साहन राशि। धूमधाम से मनाया आर्य समाज मंदिर का स्थापना दिवस। फार्मासिस्टों ने की राज्य फार्मेसी काउंसलिंग के गठन की मांग। संविदा कर्मियों का आर पार की लड़ाई का ऐलान। तो नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर के आंदोलनरत ऊर्जा निगमों के करीब 4,000 संविदा कर्मचारी आर पार की लड़ाई पर उतर आए हैं। 4 दिन काली फीती बांधकर विरोध जताने के बाद अब आज और कल 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। साथ ही कैंडल मार्च निकालकर आवाज़ उठाई जाएगी। विद्युत संविदा एकता मंच की ओर से मांगों पर कार्रवाई न होने की स्थिति में दीपावली से पूर्णकालिक हड़ताल पर भी विचार किया जा रहा है। लालपुर कारगी रोड पर भूमिगत लाइन क्षतिग्रस्त होने से आपूर्ति बाधित हुई। मतदाता सूची पर आपत्ति को 3 अक्टूबर तक का मिलेगा समय। तो दून के 100 वार्डों के लिए आगामी निकाय चुनाव को लेकर के मतदाता सूची तैयार कर दी गई है। हालांकि अभी तक नगर निगम को सभी वार्डों की सूची प्राप्त नहीं हुई है और न ही यह सूची सार्वजनिक की गई है। मतदाता सूची पर आपत्ति के लिए 3 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। इस्पा सेंटर में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। तो इस्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा लगातार चल रहा है। इस्पा सेंटर में न तो ग्राहकों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और ना ही सेंटरों में प्रशिक्षित स्टाफ हैं। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर रविवार को शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के इस्पा सेंटरों का आकस्मिक निरीक्षण किया तो पटेल नगर स्थित एक इस्पा सेंटर में देह व्यापार चलता मिला। इस मामले में इस्पा सेंटर के संचालक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सर्व समिति से अजीत कुमार बने व्यक्तिक संघ के अध्यक्ष। 12वीं तक के नए पाठ्यक्रम को हरी झंडी का इंतजार। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अगले सत्र से पाठ्यक्रम बदला नजर आएगा, हालांकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का पहली और दूसरी कक्षा का बदला पाठ्यक्रम लागू हो गया है, जबकि 3री से 12वीं कक्षा तक विद्यालयी शिक्षा पाठ्यचर्या का मसौदा तैयार हो चुका है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से मंजूरी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी को भेजेगा। आयुष PG के प्रथम चरण की काउंसलिंग को पंजीकरण शुरू। तो राज्य के आयुष कॉलेजों में PG पाठ्यक्रम में दाखिले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बॉडी बिल्डिंग में हारने वालों की नहीं होती हार। एथलीट्स में 40 खिलाड़ियों ने जीते पदक। वाहन भत्ते में बदलाव के जल्द आदेश की उम्मीद। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को हुई। बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष अरुण पांडे ने कहा कि LTC में हवाई यात्रा का लाभ, वाहन भत्ते के दरों में परिवर्तन का लाभ 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वालों कार्मिकों को एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलने की संभावना है। इस संबंध में जल्द आदेश जारी हो सकता है। पिटकुल के कर्मचारियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। तो पिटकुल ने अर्जित किया है 142 करोड़ का लाभांश। 3,900 क्लस्टर से जैविक खेती को दे रहे बढ़ावा। विद्यालय मानक प्राधिकरण के लिए नहीं मिल पाई मंजूरी। 1 अक्टूबर को कर्मचारी मनाएंगे काला दिवस। जन भावनाओं के अनुरूप भू कानून में होगा संशोधन। चीन नेपाल सीमा पर नियम विरुद्ध हो रही भूमि की खरीद। राजाजी टाइगर रिजर्व में वाहन ट्रायल दुर्घटना की जांच पूरी हुई।
झाला की तरह जन सहयोग से पूरे प्रदेश में चलेगा स्वच्छता कार्यक्रम। पीएम के मन की बात में छाया वाइब्रेंट विलेज झाला। तो प्रधानमंत्री उत्तरकाशी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में उत्तरकाशी सीमावर्ती वाइब्रेंट विलेज झाला के थैंक यू नेचर अभियान ने जगह बनाई है। विद्युत संविदा कर्मियों ने खोला मोर्चा। तो नियमितीकरण व समान वेतन को लेकर दीपावली से पहले करेंगे हड़ताल। डॉक्टरों की पदोन्नति के लिए आज होगी डीपीसी। वायुसेना की कार रैली, देश रक्षा के लिए युवाओं में भरेगी जोश। तो भारतीय वायुसेना की सदी की सबसे बड़ी कार रैली युवाओं में जोश भरेगी। रैली को नई दिल्ली से 1 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना करेंगे। 15 अक्टूबर को दून पहुंचने पर रैली का उत्तराखंड युद्ध स्मारक शौर्य स्थल पर भव्य स्वागत किया जाएगा। कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चंपावत प्रेस विज्ञप्ति। तो इसमें अति शिक्षकों को लेकर के एक और काउंसलिंग जारी की गई है। तो यहाँ पे दिया गया है कि शासनादेश संख्या एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के पत्रांग सेवाएं दिनांक 27 सितंबर 2024 के अनुपालन में प्रवक्ता गणित अंग्रेजी भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान विषयों में शासनादेश संख्या 1023 के क्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्रों के सापेक्ष इस जनपद हेतु आवंटित गेस्ट टीचर प्रवक्ता की तैनाती हेतु प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं काउंसलिंग 3 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत के सभागार में निर्धारित की गई है। समस्त गेस्ट टीचर प्रवक्ता विद्यालय शिक्षा वेबसाइट www.schooleducation.gov.in पर चंपावत जनपद आवंटित अभ्यर्थी समस्त अपने मूल शैक्षणिक प्रशिक्षण अंक पत्रों प्रमाण पत्रों एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित तिथि को उपस्थित होए। बात करते जॉब लेट को लेकर के, तो स्वायत्त शासन विभाग में 23,820 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 86 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 18 से 12 अक्टूबर तक होगा। NLC इंडिया लिमिटेड में 56 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। RRB में 14,298 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स के 81 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेशनली ऑफिसर के 40 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स ऋषिकेश में जन्मजात बीमारियों का मुफ्त इलाज। रामलीला मंचन को ध्वजारोहण किया। जिले में 38,000 राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। तो हरिद्वार से खबर है, जिले के 38,000 राशन कार्ड निरस्त करने की तैयारी है। इन कार्ड धारकों ने 15 सितंबर तक रीकेवाईसी नहीं कराई है। राम और सीता जन्म पर मिठाई बांट खुशी मनाई। तपस्या करने बैठे भगवान पशुराम। पूर्व सैनिकों ने वीर नारियों को नवाजा। देह व्यापार की सूचना पर होटल में छापा, तो विकास नगर से खबर आई है। तो एक युवक और युवती होटल से हो गए फरार, लोगों ने होटल के बाहर जमकर हंगामा किया। रिटायर शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट दिखा करोड़ों की ठगी की। CO ने कोतवाली का निरीक्षण किया, तो विकास नगर से खबर आई है। विद्यार्थियों को बताई ABP की नीतियाँ। छात्रा से छेड़छाड़ में युवक पर मुकदमा। तो सैसपुर थाना क्षेत्र में एक युवक छात्रा को जबरन बाइक पर बिठाकर सुनसान जगह ले गया, जिसके बाद युवक ने छात्रा के साथ छेड़खानी की और जबरदस्ती करने की कोशिश की। तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दून में रिटायर्ड शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट बताकर 2.27 करोड़ रुपये ठगे। आप ना हो ठगों का शिकार, ये सावधानियां बरतें। तो अगर आपको किसी अज्ञात नंबर से फ़ोन आता है और वो खुद को पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारी बताते हैं हुए धमकाते हैं, तो कॉल को तुरंत काट दें। अगर कोई आपको लिंक या ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है, तो बिल्कुल ना करें।
अपने बैंक खाते की जानकारी, पासवर्ड या अन्य व्यक्तिगत जानकारी किसी को साझा न करें। अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो तुरंत परिवार या दोस्तों से संपर्क करें। अगर आप धोखे का शिकार हो जाते हैं तो तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं, 1930 पर कॉल करें। दून समेत 4 जिलों में आज हल्की बारिश, तो उत्तराखंड के 4 जिलों में सोमवार को हल्की बारिश के आसार जताए हैं। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 5 अक्टूबर तक इस तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और देहरादून जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश एवं गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। रेस कोर्स में निकाला नशा विरोधी मार्च, 517 मरीजों की आंखों की जांच हुई। स्पा सेंटर में देह व्यापार का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार किए। बाइक की टक्कर से महिला की मौत, हरिद्वार बाईपास रोड पर तेज रफ्तार बाइक ने महिला को टक्कर मार दी, इससे इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। महिला के बेटे की तहरीर पर नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। थानों में 20 क्विंटल प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया। प्याज 70 और टमाटर 80 रुपये किलो, तो श्राद्ध पक्ष में प्याज की मांग घटने के बावजूद बाजारों में प्याज 70 से 80 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। टमाटर के दाम भी 80 रुपये किलो पहुंच गए हैं। ग्रामीणों ने रेस्क्यू सेंटर पर प्रदर्शन किया। युवक को सरेराह पीटा, मुकदमा दर्ज किया। मोटर चोरी करने में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। तेजाब से चालक का चेहरा झुलसा, जांच की। दुर्घटना में घायल बुजुर्ग की मौत पर केस दर्ज किया। सरकारी विभागों में आरक्षित पदों के लिए नहीं मिल रहे उम्मीदवार। 7 अक्टूबर को राज्य भर में मनाएंगे गणभोज दिवस। विद्युत संविधा एकता मंच का हल्ला बोल अभियान। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की प्रमोशन जल्द, DPC आज। पिटकुल कर्मियों को 2 साल का बोनस मिलेगा। पॉलिटेक्निक में कम छात्र संख्या वाले ब्रांचें बंद होंगी। सुन लो दिल्ली, देहरादून हमें चाहिए भू कानून। तो उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग अब राज्य तक सीमित नहीं है। ऋषिकेश में रविवार को भू कानून एवं मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति ने स्वाभिमान महारैली के जरिए केंद्र सरकार को भी ललकारा। पदाधिकारियों ने मांगों के लिए प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली जाने से भी पीछे नहीं हटने का ऐलान किया। पहाड़ की गांधी इंद्रमणि बड़ोनी को दी श्रद्धांजलि। किसी नेता के आह्वान पर नहीं आती इतनी भीड़, तो राजनीतिक कार्यक्रम में भी किसी नेता के बुलाने पर इतनी भीड़ शायद ही जुटती जितनी रविवार को भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर जुट गई। किसी को घर घर जाकर नहीं बुलाया गया, बल्कि बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे से सुनकर महारैली में शामिल होने पहुँचे। दून में बाइक रैली निकालते हुए ऋषिकेश पहुंचे युवा। जन भावनाओं के अनुरूप भू कानून बना रहे। ऋषिकेश में जुटी भीड़ ने दिलाई उत्तराखंड राज्य आंदोलन की याद। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के मध्य वैकल्पिक पैदल मार्ग का काम शुरू हुआ। होमकुंड ट्रैक पर एक ट्रैकर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो होमकुंड ट्रैक पर रविवार को एक ट्रैकर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके शव को लाने के लिए जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने बद्रीनाथ वन विभाग से हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति मांगी है। पुलिस हॉकी में हरिद्वार ने अल्मोड़ा को रौंदा। कर्णप्रयाग के प्रभावितों ने प्रशासन से मांगा मुआवजा। सोनप्रयाग से मंदाकिनी के दाई ओर 1.5 किलोमीटर पैदल बाईपास का निर्माण शुरू हुआ। मेहनत पर फिरा पानी, सड़क फिर क्षतिग्रस्त हुआ। 99 करोड़ से हुआ उपचार, भूस्खलन फिर शुरू हुआ। प्रभावितों ने जोशीमठ की तर्ज पर मुआवजा दिए जाने की मांग की। तहसीलदार को अधिक मूल्य पर बेची शराब। तो घनसाल से खबर आई है, ओवररेटिंग की शिकायत पर तहसीलदार ने चमियाला में ठेके पर की छापेमारी। 9 पेटी अंग्रेजी शराब संग 2 आरोपी धरे गए। क्षेत्र में घूम रहा भालुओं का झुंड दहशत। तो जोशीमठ नगर क्षेत्र के कई वार्डों में भालुओं का झुंड दिखाई देने से लोगों में दहशत बनी हुई है। स्वाला डेंजर जोन में 25 मीटर कंक्रीट से बना रैंप। स्वाला की पहाड़ी में
की जाएगी या नेटिंग और एंकरिंग। वाहन सावधानी से पास कराएं। स्वाला के पास हाईवे में फंसे वाहनों को निकाला। थल सात सिलिंग सड़क देर शाम खुली। पंद्रह पाला सड़क में दो माह बाद आवाजाही शुरू हुई। काठगोदाम में घंटों तक जाम में फंसे रहे पर्यटक। कई की ट्रेन छूटी। तो वीकेंड और गोला बाईपास मार्ग बंद होने के चलते रविवार को राहगीरों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। हालत यह हो गई कि एक घंटे तक लोगों को जाम का जाम झेलना पड़ा। कोतवाली से लेकर मंगल पड़ाव तक नारीमत तिराहे से गुलाब घाटी तक लगे जाम से लोगों के साथ साथ पुलिस के भी पसीने छूट गए। देर रात 9 बजे तक यात्री जाम से जूझते रहे। उधर जाम में फंसे पर्यटकों की ट्रेन छूटने की वजह से वह भी आक्रोशित नजर आए। शहर में कांग्रेस की रैली आज रूट देखकर निकले। हल्द्वानी में बारिश से मौसम सुहाना हुआ। तीन दिन पहले बहा युवक शव पीपल पड़ाव में मिला। पत्रकार से मारपीट और लूट करने वाले चार छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया। तो हल्द्वानी से खबर रही है। लालकुआ में एबीपी का पुतला फूका। बोरा की मदद में दूध संघ के अफसर की भूमिका मिली। चोरी मामले में आज भीमताल आएंगे अमिताभ ठाकुर। कर्मचारियों से छीना ना जाए पेंशन का अधिकार। दून अस्पताल में भर्ती दो मरीजों में डेंगू। साइबर ठगों को सिम बेचने वाले या गैंग के सदस्य पुलिस के हाथे चढ़े। तो एसटीएफ की साइबर थाना पुलिस देहरादून ने महाराष्ट्र के नागपुर में साइबर ठग गिरोह को सिम बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। दो महिलाओं को गिरफ्तार कर बाद में नोटिस देकर छोड़ा गया। हृदय दिवस पर 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग। सचिवालय कप में पीडब्ल्यूडी और सीएमओ 11 जीते। उत्तरकाशी के झालागांव में स्वच्छता की पहल। कर्णप्रयाग के प्रभावितों ने प्रशासन से मांगा मुआवजा। वही खबर है, कोटद्वार से शराब की दुकान के विरोध में धरना दिया। लमगांव में बंदर सुअर बर्बाद कर रहे हैं फसल। पुल हिंडोला बाजार में बंदरों से परेशान व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र बढ़ाने की मांग। तो बेरोजगार संगठन ने सरकार से पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र बढ़ाने की मांग की है। बेरोजगार संगठन के जिलाध्यक्ष हिमांशु गढ़कोटी ने बीते रोज भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी को ज्ञापन दिया। इस दौरान गढ़कोटी ने जनपद में ही एसएससी परीक्षा केंद्र खोलकर परीक्षा कराने, आईपीएस की ओर से होने वाली बैंक परीक्षाओं के केंद्र खोलने, सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर कोर्स, योगा क्लास चलाने, पासपोर्ट कार्यालय खोलने, पुलिस वन विभाग की शारीरिक परीक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर केंद्र बनाए जाने सहित कई मांगें उठाई। टनकपुर में सोलर फेंसिंग की रिपेयरिंग शुरू हुई। गांव ने कारगिल योद्धा दिया, सरकार सड़क तक नहीं बना पाई। तो भवाले से खबर रही है। गणेश पूजन से शुभारंभ, नारद मोहन से आज शुरू होगा रामलीला मंचन। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ब्रांचों को बंद करना ठीक नहीं। रामनगर ने जीती कबड्डी की ट्रॉफी। एमबीपीजी में एडमिशन तो मिला लेकिन पढ़ने को किताबें नहीं। तो हल्द्वानी से खबर रही है, छात्र संख्या के लिहाज से कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी डिग्री में छात्र छात्राओं को प्रवेश तो मिल गया लेकिन उन्हें पढ़ाई के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं। वैकल्पिक मार्ग के लिए एक नहीं अब दो पुलिया बनेगी। विकसित भारत का संकल्प पूरा करने को दें योगदान। आयुष यूजी की पहले ही राउंड में सीटें आवंटित की गई। लालकुआ में नेशनल हाईवे पर आए गजरात यातायात बाधित रहा। पुराने सिक्कों की 1.5 करोड़ कीमत बता, 4.63 लाख रुपए ठगे गए। 12 घंटे अभियान, 20 लाख का जुर्माना, 484 का चालान किया। तो हल्द्वानी से खबर, ये पुलिस कर्मियों से अभद्रता पर पर्यटक का चालान किया।
आज व्यापारी संगठन हल्द्वानी बंद नहीं करेंगे। तो अतिक्रमण हटाने के लिए चिन्हित दुकानें तोड़ने और व्यापारियों की मांगों की अनदेखी के विरोध में सोमवार को हल्द्वानी बंद के बुलावे को व्यापारिक संगठनों ने वापस ले लिया। आसमान से खेत में गिरा गुब्बारा व यंत्र। तो घनसाली से खबर है, भिलंगना ब्लॉक के बहेड़ी नगर में आसमान से एक खेत में गिरा गुब्बारा और इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र में कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस भी पहुंची और गुब्बारे व यंत्र का निरीक्षण कर कब्जे में ले लिया। जांच के बाद पुलिस ने बताया कि मौसम की जानकारी लेने के लिए इस गुब्बारे और यंत्र को देहरादून के मौसम विभाग ने उड़ाया था। स्टेट ओलंपिक में पौड़ी की तीरंदाजी टीम ने बिखेरा जलवा। पहचान छिपाकर फैलाया भ्रम, आईटी एक्ट में युवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो नगर के बलभद्रपुर क्षेत्र में विशेष समुदाय के एक युवक ने नाम और पहचान बदलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बना लिया। युवक ने फोटो वीडियो आदि वायरल करने शुरू कर दिए। अब इसकी पहचान होने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोतवाल ने बताया कि सोमवार को युवक को न्यायालय में पेश किया जाएगा। मृतक आश्रितों को मिले 50 लाख रुपए मुआवजा। 70 मकान मालिकों पर 6.80 लाख जुर्माना। ज्वालापुर, रानीपुर और सिडकुल पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाकर कार्रवाई की। 6.70 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया। टूर्नामेंट में हरिद्वार पुलिस की टीम ने अल्मोड़ा को 6-0 से दी सख्त। पुलिस ने कसा सिकंजा, खुलेआम जाम छलकाकर लगाया जाम, 30 लोगों का किया चालान। साइलेंसर से पटाखा छोड़ने वालों पर सख्ती, 10 बाइक सीज की। तो रुड़की से खबर रही है, चाकू लेकर घूम रहा एक आरोपी गिरफ्तार किया। चोरी के साथ 7 मोटर के साथ 3 दबोचे। तो पत्थर से खबर रही है, रामलीला में बवाल करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। बाइक का सवार 2 बदमाशों ने मोबाइल और बाइक लूटी। तो रुड़की से खबर रही है, बाइक से गिराकर युवक को पीटा, केस दर्ज किया। रिश्ता टूटने के 1 महीने बाद प्रेमी प्रेमिका के घर पहुंचा आपत्तिजनक पत्र, थाने पहुंचा मामला। तो रिश्ता टूटने के 1 महीने बाद एक युवक और युवती के घर पर आपत्तिजनक बातें लिखा पत्र पहुंचा है। युवती ने युवक पर पत्र भेजने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की, जबकि युवक का कहना है कि उसने ऐसा नहीं किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। प्रेमिका को याद कर रो रहा था युवक, विरोध करने पर पत्नी को पीटा। कोतवाली में हंगामा। तो गंग नहर कोतवाली क्षेत्र स्थित चंद्रपुरी मोहल्ला निवासी एक युवक की शादी करीब 7 साल पहले दिल्ली निवासी युवती से हुई थी। बताया जा रहा है कि युवक का शादी से पहले एक युवती से प्रेम प्रसंग था। वह अक्सर प्रेमिका को याद कर घर में रोता था। शनिवार को युवक प्रेमिका को याद कर रो रहा था, इस पर पत्नी ने विरोध किया। आरोप है कि इस पर पति ने उसकी पिटाई कर दी। बाइक की टक्कर से घायल बुजुर्ग की मौत, मुकदमा दर्ज हुआ। सड़क पर उतरकर गर्जी भोजन माताएं, कहा भोजन माताओं का स्कूलों में हो रहा शोषण, बच्चे कम होने पर निकाल दिया जाता है। लाल कुआं में निकाला गया शांति मार्च। शिक्षक रमेश और डॉक्टर श्वेता सम्मानित किए गए, प्रवेश के लिए पंजीकरण का आखिरी मौका। तो स्नातक और स्नातक तृतीय सेमेस्टर में विद्यार्थी के लिए अच्छी खबर है। 3 जिलों के 486 संस्थानों को निःशुल्क इंटरनेट। अल्मोड़ा में एक ही रात में 4 दुकानों के ताले तोड़ माल उड़ाया। युवक का हवा में फायर करने वाला वीडियो वायरल हुआ। तो कपकोट से खबर रही है, चरस के साथ 2 युवक गिरफ्तार किए। काकड़ी घाट पहुंचे मनीष सिसोदिया। राजकीय इंटर कॉलेज कर्मी में प्रवक्ताओं के सभी पद खाली। तो राजकीय इंटर कॉलेज कर्मी प्रवक्ताओं की कमी से जूझ रहा है। विद्यालय में प्रवक्ताओं के सभी पद खाली हैं। 5 प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी 80 शिक्षक संभाल रहे हैं, जबकि 4 विषयों को पढ़ाने के लिए कोई भी नहीं है। दिल्ली बागेश्वर मुंशारी बस काकड़ी घाट से आगे नहीं बढ़ी।
बंद सड़क ने बढ़ाया 50 रुपये किराया। प्राथमिक चिकित्सा और गांठ बंधन के तरीके बताए। राजकीय विज्ञान नाट्य प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज कप कोर्ट विजेता तो राजकीय हाई स्कूल उतरौड़ा में विकासखंड स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में ब्लॉक क्षेत्र के 13 विद्यालयों से 95 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग कर कई प्रतियोगिताओं में प्रतिभा दिखाई। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए गए। मालगाड़ी की चपेट में आकर नानी नातिन की मौत हो गई तो काशीपुर से खबर आई है। 12 मासी सड़क पर 18 दिन बाद सिर्फ 5 घंटे दौड़े वाहन। ट्रेनों के यात्री भी हुए कम। बाजड़ में शिक्षकों की तैनाती नहीं की तो करेंगे आंदोलन। तो गणित विज्ञान के विषय नहीं होने से लोगों में रोष है। किच्छा और कालाडुंगी में लगे एथेनॉल प्लांट। अपहरण मारपीट के आरोप में हिंदू युवा वाहिनी का जिलाध्यक्ष गिरफ्तार किया। सावधान डेंगू के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। मालगाड़ी की चपेट में आने से नानी नातिन की मौत हो गई तो काशीपुर से खबर रही है। किसान को खींचकर गन्ने के खेत में ले जाने लगा तेंदुआ, लोग पहुंचे तो भागा। जसपुर से खबर रही है। अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई तो बाजपुर से खबर रही है। नशीला पदार्थ बेचने पर टोका तो तोड़ दिया दांत। हाथियों को ट्रेन से बचाएगा इंट्रूजन डिवाइस। महिला बोली 13 वर्षीय बेटी पर गलत नीयत रखता है प्रेमी। तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक महिला ने जसपुर निवासी एक व्यक्ति पर मारपीट करने और उसकी 13 वर्षीय बेटी पर गलत नीयत रखने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। अब हॉस्टल में छात्रों को दे दिया एक्सपायरी ड्रिंक। फिर सड़क पर खड़े होने